पुराने सारे तरीके भूल जाएंगे जब आप ये बिरयानी बनाएंगे। तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करूंगी चिकन बिरयानी बनाने की ऐसी रेसिपी जो फटाफट से बन जाती है और इतनी टेस्टी डिलीशियस होती है कि आप एक बार इसको बनाएंगे तो बार बार यही आपको बनाने का मन करेगा और सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। तेज़ पत्ते ले लेंगे, हाफ टी स्पून ज़ीरा ले लेंगे, एक बड़ी इलायची ले लेंगे, पांच छोटी इलायची ले लेंगे, सात से आठ लौंग ले लेंगे, एक दालचीनी ले लेंगे बड़ा, गोल मिर्च ले लेंगे और एक बादाम के फूल ले लेंगे और ये जावित्री ले लेंगे। और यहाँ मैंने 3 चम्मच के करीब सौंफ को पीसकर पाउडर बना लिया है, ये रख लेंगे। और धनिया पाउडर ले लेंगे 1 बड़े चम्मच और 1 बड़े प्याज को इस तरह से कट करके रख लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट ले लेंगे। और यहाँ मैंने चिकन लिया है 900 ग्राम के करीब, ये देखिए इस तरह से हम चिकन को वॉश करके अच्छे से रख लेंगे। आधा किलो के करीब चावल लिया है मैंने, इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। और लेंगे यहाँ 10 से 15 मैंने हरी मिर्चों को इस तरह से कट करके रख लिया है, ये डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। ऑयल डालेंगे, तो यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल दिया। तो चलिए तेल हमारा गर्म हो गया है, सारे खड़े मसाले ऐड कर देते हैं। अब चलिए प्याज को ऐड करते हैं। तो देखिए प्याज हमारा हल्का गोल्डन फ्राई हो चुका है, अब इसमें चिकन ऐड करेंगे। ये देखिए चिकन ऐड करेंगे इसमें अब हम। चिकन को भी प्याज के साथ फ्राई करेंगे। ये देखिए चिकन का जो कलर है वो चेंज होने लगा है। और अब इसमें ऐड करेंगे ये हरी मिर्चियाँ कटी हुई, लहसुन अदरक का पेस्ट, तो 2 बड़े चम्मच भर के डालेंगे। दही ऐड करेंगे इसमें 170 ग्राम के करीब। अब चलिए दही को भी अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे चिकन में। तो यहाँ देखिए मैंने जो सौंफ का पाउडर बनाकर रखा था 2 बड़े चम्मच इसमें डाल देंगे। और 1 भर के चम्मच हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे। नमक ऐड करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे। तो चलिए इसको 5 से 10 मिनट के लिए धीमे आंच पर छोड़ देते हैं ताकि जो मसाला है हमारा कुक हो जाए और चिकन भी अच्छे से गल जाए। तो देखिए यहाँ हमारा चिकन जो है अच्छे से भून गया है और तेल भी देखिए सेपरेट होने लगा है। तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें हम चावलों को ऐड कर देंगे। देखिए चावलों को हम ऐड कर देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, चावल जो हमारे टूट जाएंगे। पानी ऐड कर लें, तो जितना चावल लें उसका 2 गुना पानी ऐड कर लें। चलिए पानी हमने ऐड कर दिया है, इसमें कवर कर देते हैं ताकि जो इसका पानी है वो सूख जाए। और ये काम हम हाई फ्लेम पे करेंगे। तो यहाँ देखिए एक सिंपल सी चटनी बना लेते हैं।
ये देखिए इसके साथ एक चटनी बनेगी, बहुत ही सिंपल चटनी है ये, बहुत टेस्टी लगती है इसके साथ। तो दो टमाटर ले लिए हैं मैंने, ये देखिए ये 9 से 10 हमने सूखी लाल मिर्च ले ली है और 3 लहसुन की कलियां ले ली हैं। अब इसको पीस लेंगे हम मिक्सर ग्राइंडर में, चटनी हमारी बनकर रेडी हो जाएगी। और हाँ, नमक ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। तो देखिए बिरयानी का जो हमारे चावल के जो पानी है वो बिल्कुल सूख गए हैं। अब इसको हम बस दम लगाएंगे और थोड़ा सा डालूंगी मैं इसके कलर, और कलर में मैंने केवड़ा एसेंस डाला है, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अब चलिए इसको हम बंद कर देते हैं और इसको हम दम देंगे 10 मिनट के लिए। तो ये देखिए बेहतरीन सी हमारी बिरयानी बनकर रेडी है। दम देने के टाइम मैंने फ्राइड अनियन डाल दिए थे फ्राई करके, देखिए कितना अच्छा इसका टेक्सचर आया है। ये देखिए कितने खिले खिले चावल हमारे हुए हैं। चलिए इसको सर्व कर लेते हैं हम। ये देखिए गर्मा गर्म हमारी बिरयानी रेडी है। ये गर्मा गर्म हमारी बिरयानी रेडी है, बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही डिलीशियस इसका टेस्ट होता है और बहुत ही झटपट बन जाती है। फ्लेवर इसका बहुत ही मज़े का होता है। इस चटनी के साथ ये बहुत ही जायकेदार लगता है। ये देखिए इस चटनी के साथ हम इसको देखिए, चिकन का जो पीस है कितने अच्छे तरीके से टेंडर हो गया है, गल गया है। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको खाकर देखते हैं। फ्रेंड्स बहुत मज़े का बना है, आप भी इसको ट्राई करिए अपने घर पे, मेरे घर में एक बार इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही बेहतरीन टेस्ट हुआ है। तो चलती हूँ फ्रेंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।